संक्रमण के चलते गत 2 साल से नवरात्रि अत्यंत सादगी से मनाई गई थी। आज कोरोना का संकट समाप्त होते दिख रहा है। साथ ही सरकार ने 7 अक्टूबर से मंदिर दर्शन पूजन हेतु खोलने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए 7 अक्टूबर से आज्ञाराम देवी मंदिर में परंपरागत नवरात्र उत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान आज्ञाराम देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विधायक गिरीश व्यास द्वारा दी गई है। इस वर्ष 7 अक्टूबर से अश्विन नवरात्रि उत्सव प्रारंभ होगा। इस दिन देवी मां का दरबार सुबह 5 बजे मंगल स्नान के साथ प्रारंभ होगा। श्रद्धालुओं की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों घट स्थापना 12:30 बजे होगी। अखंड ज्योत जो शुद्ध घी की सामूहिक एक ही होगी का प्रज्वलन दोपहर 2 बजे होगा। 7 अक्टूबर को ज्योत के समस्त वैदिक मंत्रों से हवन शहर के प्रसिद्ध वेद शास्त्री नीलेश भुसारी के पौराहित्य में ब्राह्मणों द्वारा होगा। सामूहिक ज्योत का विसर्जन गुरुवार 14 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे किया जाएगा। ऐसी जानकारी इस दौरान दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। तदनुसार शासन आदेशानुसार दर्शनार्थी केवल दर्शन ही कर पाएंगे। साड़ी चोली पुष्पमाला पुष्पहार नैवेद्य नहीं चढ़ा पाएंगे। वैसे ही 65 के ऊपर के स्त्री पुरुष भक्त जो वृद्ध है, बीमार है, अपंग है, जिनका कोई भी ऑपरेशन हुआ है, उन्हें दर्शन हेतु प्रवेश नहीं मिलने की जानकारी इस दौरान दी गई। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त साहब, इन्होंने ब्रेक द चेन अंतर्गत दिनांक 30/9/2021 को जो आदेश दिए थे उसके हिसाब से 7 तारीख से सभी मंदिर शुरू होने वाले श्रद्धालुओं के लिए। आगेराम मंदिर देवस्थान यह हमारे पुलिस स्टेशन गणेशपेट का सबसे महत्व का मंदिर है, जहाँ पे नवरात्र उत्सव के दरमियान बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो हर साल की जो जवाबदारी रहती है कि महिलाओं की सुरक्षा, कोई चोरी चकारी ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, इसलिए हमारा बंदोबस्त तो हरदम यहाँ रहता ही है। मगर इस बार हमारे पास अतिरिक्त जवाबदारी दी गई है। जो जवाबदारी में ऐसा है कि जो COVID-19 का जो रूल्स है उसमें जो गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करने के लिए, तो इस बारे में हमारा मंदिर प्रशासन के ट्रस्टी लोगों के साथ में जो बातचीत हो चुकी है, जो पत्र व्यवहार हो चुका है, इसमें जो हम लोग गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसके बारे में उनको डिटेल में विस्तार से बताया गया है कि 65 वर्ष के ऊपर में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दर्शन के लिए नहीं आएगा। जो लोग व्यक्ति बीमार है, जिनको कोई परेशानी है, जिसको ऑपरेशन हो चुका है, जो कमज़ोर है, या 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, इन्होंने दर्शन के लिए नहीं आना है। बाकी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था इन्होंने की हुई है, उसी प्रकार से हर एक ने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ तैनात रहेंगे उनके साथ में ही मंदिर प्रशासन के भी ट्रस्टी के जो स्वयंसेवक है वो भी हमारे साथ में इस बार ये सब नियम पालन करने के लिए साथ में रहेंगे। तो ये सभी के साथ मिलकर हमको जो कोरोना की गाइडलाइंस है इनको पालन करना है। और उसी प्रकार हमने यहाँ पे जो भारी मात्रा में हमारा बंदोबस्त हर साल की तरह यहाँ पे भी है, ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी वाहन पार्किंग और उसके लिए व्यवस्था की गई है और पूरा डिटेल हमारा यहाँ पे बंदोबस्त लग गया हुआ है। तो सभी से अनुरोध हमारा यह है कि जो COVID-19 की जो गाइडलाइंस है और जो गवर्नमेंट ने इशू किया है कि किसको आना है प्रवेश दर्शन करने के लिए, तो इसको समझ के ही यहाँ पे सभी ने दर्शन के लिए आना है। हमारे 3 सीनियर 3 PI और 10 अधिकारी तथा 60 पुरुष और 27 महिला कर्मचारी ऐसे यहाँ पे तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे यहाँ पे मंदिर प्रशासन के साथ में कर्तव्य पे रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था और सभी व्यवस्था को यहाँ देखते रहेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद 7 तारीख से मंदिर प्रारंभ करने की राज्य में अनुमति दी है। देवी का नवरात्र एक जनता के मन में बहुत एक भावना होती है और अश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों मंदिर कोरोना काल में भी कर रहा था। इस बार भी जब मंदिर खुलेंगे तो 7 तारीख को दोपहर प्रतिनिधिक तौर पर जनता की ओर से माननीय महापौर जी, नागपुर शहर के दयाशंकर जी तिवारी, इनके हाथ से हम घटक की स्थापना करेंगे। वो सपरिवार यहाँ पूजा में बैठेंगे। साथ ही साथ वह 2 बजे उसी दिन दोपहर को एक जो सामूहिक शुद्ध घी की ज्योत हम इस कोरोना के संक्रमण में चला रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों ने हमको सहयोग दिया है 601 रुपये का, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं। पर वो जानते हैं कि पिछले चैत्र अश्विन और चैत्र
और अब ये अश्विन इस नवरात्रि में कोरोना के कारण हम सामूहिक ज्योत जला रहे हैं। शायद अगले बार हम सबके नाम की ज्योत अलग से जलाएंगे, पर आप सबका सहयोग इस ज्योत में है। महापौर जी इस ज्योत का प्रज्वलन करेंगे और 14 तारीख को 13 तारीख को हमारे कन्या भोजन होगा, 13 तारीख को हम होम हवन करेंगे वैदिक मंत्रों के साथ और 14 तारीख को घट का विसर्जन दोपहर 4 बजे होगा। इस दौरान अपील की गई कि मास्क पहनकर आना जरूरी है, कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट तथा लसीकरण का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रवेश पर दिखाना जरूरी है। इस पत्रकार परिषद के दौरान अध्यक्ष गिरीश व्यास, उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी, सचिव हरिओम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विकास पेटकर, सदस्य रामचंद्र पिल्लारे, विनोद आष्टिकर, गिरिजा शंकर अग्रवाल उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।